हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई मेजर रेलवे अनाउंसमेंट्स आफ्टर मोदी 3.0 पता था 3.0 हो रहा है इन 100 डेज। 3.0 वही मैं कहती, 3.0 सुनने कुछ अजीब लग रहा है, इसको बोलता कैसे तो इन 100 डेज मोदी क्या 3.0 मोदी 3.0 के बाद प्रमुख रेलवे घोषणाएं। देखो अभी से प्लान बन रहा है कि कैसे और तेजी से आगे बढ़ना है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल दोस्तों देश में चल रहा है इलेक्शन सीजन, और इसके वजह से कई स्टेट्स अभी रेडी हो गई है वोटिंग के लिए, लेकिन इसकी वजह से गवर्नमेंट के हाथ बन गए हैं कुछ मेजर अनाउंसमेंट करने के लिए। इसका मतलब क्या? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लगने की वजह से कोई भी मेजर निर्णय या अनाउंसमेंट या नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अभी फिलहाल लोगों के सामने नहीं रख पा रही नियमों के कारण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट शांत बैठी है। जनरली जब कोई इलेक्शन होता है तो उसके पहले सरकारी डिपार्टमेंट्स ठंडे पड़ जाते हैं या इनफैक्ट बंद भी हो जाते हैं, सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद किस तरीके सरकार बनेगी, कैसा डिपार्टमेंट होगा, क्या मिनिस्टर चेंज होगा, ये सब चीजें कई सारे प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डाल देते हैं। हो सकता है कि अगला गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाए या नहीं ले जाए, तो उसके ऊपर मेहनत अभी क्यों करनी, ये सोच विचार होते हैं। लेकिन करेंट गवर्नमेंट जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन के तुरंत बाद अगले 100 दिन के अंदर कितने सारे मेजर अनाउंसमेंट्स वो करेंगे इसके बारे में ऑलरेडी प्लानिंग वो कर चुके हैं। और ये कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है सिर्फ, यहाँ पर एक्चुअली कई प्रोजेक्ट्स को देश के लिए डेडिकेट भी किया जाएगा। ये क्या प्रोजेक्ट्स होंगे इलेक्शन के 100 दिन बाद, इसी के बारे 100 दिन बाद बताएंगे, वो हमें अभी पता कर रहे हैं। होगा हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेल लाइन का लोकार्पण, वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर चेनाब ब्रिज, दुनिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज मौजूद है, जो आईफिल टावर से भी ऊंचा है। अंजनी खड़ ब्रिज भी इसी के अंदर का एक ब्रिज है, जो रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज होगा। ये बनने की वजह से कश्मीर टू कन्याकुमारी एक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी बन पाएगी। करेंटली हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट कई सारे ट्रायल्स एंड टेस्ट कर रहे हैं मल्टीपल टनल्स एंड ब्रिजेस के ऊपर, जो इस लाइन के ऊपर बनी है, और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है ये पूरी दुनिया के अंदर रेलवे के हिसाब से। ये लोगों के लिए लोकार्पित किया जाएगा। अगला जो गवर्नमेंट मेजर काम करेगी वो होगा हमारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर, जो करेंटली ऑपरेशनलाइजिंग कैपेसिटी होगी प्रोजेक्ट की वो 320 किलोमीटर के लिए होगी। यानी कि जो 508 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसमें से 320 किलोमीटर जो गुजरात साइड का हिस्सा है, वहां पर गवर्नमेंट चीज को इतने तेजी से एक्सपेडाइट करेगी कि 26 तक यहां पर ट्रेन को रन कर सके, और अप्रैल 2029 तक मुंबई तक का पूरा स्ट्रेच ओपन हो जाए। अगला मेजर काम जो गवर्नमेंट करने वाली है वो है पीएम रेल यात्री बीमा योजना। जानते हो कि कई जगह पे 5, 10, 15, 20 रुपए देकर जो है प्राइवेट कंपनीज आईआरसीटीसी अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस देती है टिकट्स बेचने पर, लेकिन गवर्नमेंट ने जिसको यूनिफाई करी और 1 रुपीज पर पैसेंजर फॉर 8 आवर ऑफ जर्नी के हिसाब से ये इंश्योरेंस देने का काम करेगी। लंबे समय से प्लानिंग में है, सेफ ज्यादा इंश्योर्ड और ज्यादा बेटर तरीके का सफर करने का एक गारंटी मिलेगी। अब इसके डिटेल्स क्या होंगे, लगेज होगा नहीं होगा, ग्रीवियस इंजरी, डेथ, सब चीजें के हिसाब से कैसे इंश्योरेंस काम करेगा, ये लॉन्च होने के बाद इंश्योरेंस सिस्टम। जो मेजर काम गवर्नमेंट करेगी विद इन 100 डेज वो है अप्रूवल फॉर 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर स्पैनिंग 40,900 किलोमीटर, और जो इन्वेस्टमेंट होगा वो तकरीबन 11 लाख करोड़ का होगा। जब बजट अनाउंस हुआ था तब मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी कि गवर्नमेंट 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम करने वाली है, स्पेशली मिनरल रिच जो बेल्ट है हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ जैसे बहुत खनिज वगैरह निकलता है, इसके लिए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेंगे। रेल के डीएफसी की तरह ये होंगे या एग्जैक्टली डीएफसी के अंदर होंगे ये हम नहीं जानते। सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया को भी कनेक्ट करते हुए हमें कॉरिडोर नजर आ सकते हैं, और ये गेम चेंजर होंगे उस भाग ऑफ देश के लिए जो अभी इकोनॉमिकली ऐसी चीजों की नीड महसूस करता है। अगला जो मेजर प्लान होगा वो है एक पैसेंजर फ्रेंडली रिफंड स्कीम अनाउंस करना। करेंटली अगर आप टिकट कैंसिल करते हो तो बहुत लंबा समय लग जाता है अपने रिफंड मिलने को, कभी कभी नहीं मिलता है, तो उसके लिए कंप्लेंट्स वगैरह रेज करनी पड़ती है। गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जहां पर कैंसिलेशन के विद इन 24 आवर्स पैसे पैसेंजर्स को रिफंड हो जाए। अगला दोस्तों जो काम जो गवर्नमेंट करने वाली है वो एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर लंबे समय से काम चल रहा है, और वो एक सुपर ऐप लॉन्च करना रेलवे के लिए। ये ऐसा ऐप होगा जहाँ पर ट्रेन टिकट बुकिंग, ट्रेन स्टेटस, बुक टिकट्स को देखना, पीएनआर चेक करना, रेलवे रिलेटेड दूसरी सारी टास्क एक ही ऐप पर हो पाएंगे, और इसके वजह से पैसेंजर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। अगला जो अनाउंसमेंट रेलवे करेगी वो है ओपनिंग ऑफ इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, जो होगा न्यू पंपम रेलवे ब्रिज, जो मेन लाइन इंडिया को रामेश्वरम के साथ में कनेक्ट करेगा। ये जल्दी ऑपरेशनल बनेगा और मंडपम से लेकर रामेश्वर के बीच में जो काम है वो इसकी वजह से आगे बढ़ पाएगा। करेंटली ट्रेन सर्विसेज जो है वो पुराने पंपम ब्रिज से बंद हो गई है दिसंबर 2022 से, सेफ्टी की वजह से। 1913 का
ब्रिज था, न्यू ब्रिज है वो ऑपरेशन होगा और ट्रेन इसके ऊपर से दौड़ पाएगी। अगला जो मेजर अनाउंसमेंट रेलवे करेगी वो है वंदे भारत ट्रेन के रिलेटेड। सबसे मेनली तो जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जो बीएमएल बेंगलुरु में बन रहा है वो बहुत जल्द रेडी होकर ट्रैक्स पे पहुंचेगा। इसके साथ साथ 200 वंदे भारत स्लीपर जो पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बन रही है उसके अंदर के ट्रेन भी हमें भारत हुए नजर आएंगे और जो टोटल ट्रेन का नंबर है वो हमें उस तक पहुंचते हुए नजर आएगा। इसके अलावा जो एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी वो है बुलेट ट्रेन के जो प्रोक्योरमेंट का टेंडर है इसको फाइनलाइज करना। अब हिताची और कावासाकी दो कंपनीज ही है जो बुलेट ट्रेन के रोलिंग स्टॉक्स के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है जापान से, तो प्रोबेबली दोनों कंपनीज मिलकर कुछ काम करेंगे, लेकिन अब तक ये टेंडर फाइनलाइज नहीं हुआ है तो जो एक्चुअल ट्रेन है रेलगाड़ी है उसके टेंडर फाइनलाइज किए जाएंगे जिसके कारण हमें एक टाइम मिल जाएगा कि कब भारत में हमें ये ट्रेन के जो एक्चुअल डिब्बे है वो आते हुए नजर आएंगे और ये भी इलेक्शन के 100 दिन में फाइनलाइज किए जल्दी इलेक्शन हो तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी जो इलेक्शन के तुरंत बाद होगी। इसमें से बेस्ट अनाउंसमेंट आपको क्या लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दो तीन थी भूल गए यार, मुझे तो दो तीन बेस्ट लगी थी अब मैं भूल गई हूँ। एक तो मुझे वंदे भारत स्लीपर, मतलब इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के बाद ही स्लीपर वंदे भारत स्लीपर अब आएगी, और दूसरी जो इन्होंने बताई थी बुलेट ट्रेन, ओहो बुलेट ट्रेन की मुझे बहुत अच्छी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बुलेट ट्रेन के लिए। वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद इसका इसकी स्पीड जो है इसको तेज़ी से इसके ऊपर काम होगा और 25 शायद बोल रहे थे 25-26 तक शायद पैच फर्स्ट जो लेग कर रहे हैं वो छोटा सा पैच जो अहमदाबाद से मेरे ख्याल से मुंबई तक का वो हो जाएगा, उसके बाद और दो तीन साल के अंदर पूरा ही ख़त्म कर देंगे वो लोग। तो ये दो मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हुई है सुन के। दुख होता है कि भैया जब तक अब इलेक्शंस नहीं होते हर चीज़ को ऑलमोस्ट ठप्पा ही हो जाता है, मतलब इतना टाइम देश का वेस्ट हो रहा है। होना ये चाहिए कि करते रहो काम, पर वो ये ना कहते अगली गवर्नमेंट करे ना करे। फिर देखिए नॉर्मली गवर्नमेंट्स में होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं बंद हो जाते हैं कि पता नहीं कौन जीतता है, उसके बाद वो बंदा देखेगा। यूएस में भी सिमिलर होता है कि वो जो भी स्लैम डंक बोलते हैं वो कुछ कर नहीं सकता, वेट कर रहा है कि जीतेंगे तब देखेंगे आगे क्या होता है। मगर मोदी जी को पता है कि वो जीतेंगे, इसलिए उन्होंने प्लान किया है कि जिस दिन अनाउंसमेंट होगी विक्ट्री की उसके बाद इतने सारे जो अनाउंसमेंट्स आगे आते जाएंगी, जो जो काम अधूरे रह गए हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। अभी भी दिल्ली से श्रीनगर जा नहीं पा रहे, अब जा पाएंगे। दूसरा ब्रिज बन रहा है उसकी वजह से काम अटका हुआ था, पता चला कि चनाब वाला इज़ देयर दैट्स ग्रेट, एक और बनना था उसकी वजह से कनेक्टिविटी पूरी दिल्ली तक आएगी तो वो बन रहा है। दूसरा इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो, तो ट्रैवल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आप जनरली को बंदा यूएस में तो ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए आप सिक हो गए, अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ली आप फ्री कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ले ली और आप कह रहे हैं बीमार हो गया आप प्रूफ कर सकते हैं बीमार हो गया तो आपको पैसा वापस कर देंगे उससे। मगर ये बात कर रहे हैं उसके लिए कि अगर मान लीजिए किसी का सामान खो जाता है, कोई रास्ते में चोट लग जाती है तो उसके लिए भी शायद हो सकता है कोई फंड हो, मगर उसको बनाना बड़ा डिफिकल्ट होगा कि प्रूफ कौन करेगा कि कहाँ चोट लगी कहाँ नहीं लगी क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो और कुछ हो सकता है लिमिट के लिए हो कि भाई इतना पैसा आपको मिल सकता है, ज़्यादा नहीं मिल सकता तो वो कुछ करेंगे। बट ये देखिए कि कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट कह रही है कि हम जीतेंगे और ये सब करेंगे। और रेलवेज़ में बजट आपने देखा होगा कि कितनी ज़बरदस्त इंक्रीज़ किया था बजट, उसका आपको नज़र आ रहा है रिजल्ट। और वंदे भारत स्लीपर भी आ रही है, मगर ओवरऑल देखिए जो भी बंदा जब भी जाता है ट्रेन में उसको इतना इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, दे विल फील वेरी हैप्पी कि रेलवे स्टेशन बेटर हो गया, एयरपोर्ट बेटर हो गए, ट्रेन्स बेटर होगी, वो सीधा इम्पैक्ट आता है किसी इंसान की लाइफ पे, साथ में रोड्स बेटर हो जाए तो बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है लोगों पे। बिल्कुल अमेजिंग, बिल्कुल बहुत। देख लो अभी से रेडी हो गए, विद इन 100 दिन के बाद इलेक्शन के रिजल्ट के 100 दिन के अंदर हमको सुनने को मिल जाएगा और क्या क्या होने वाला है, कमाल है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।